पत्नी की ये तीन बातें समझ ली तो कभी गरीब नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जिसे पत्नी की समझ लेने से पति और घर परिवार कभी गरीब नहीं रहता। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। नदी के किनारे स्थित एक गांव में चार लोगों का एक परिवार रहता था। वहां एक वृद्ध दंपति थे, एक उसका बेटा और एक पुत्र वधू। उनका बेटा अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर आता रहता था और बहू अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसमें एक विशेष गुण यह था कि वह पशु पक्षियों की बोली का अर्थ अच्छी तरह समझ लेती थी। एक दिन उसका पति व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। आधी रात को जब उसने सियारों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह खाली घड़ा लेकर रात में ही घर से बाहर चली गई और काफी देर बाद वह लौटी तो उसका बूढ़ा ससुर यह सब देख रहा था। उसके ससुर को लगता था कि उसकी बहू चरित्रहीन है। बेटे की गैर मौजूदगी में यह रात को घर से बाहर क्या करने गई थी और काफी देर बाद घर लौटी है। इसके ऐसे आपत्तिजनक व्यवहार से मेरे परिवार की बदनामी होगी, इसलिए उसे घर में रखना ठीक नहीं है। इस बारे में उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने का फैसला किया। सुबह होते ही उसने रथ सजाया, अपनी पुत्रवधू को बैठाया और उसे छोड़ने के लिए चल दिया। बहू समझ गई कि उसका ससुर उसे गलत समझकर उसके मायके छोड़ने जा रहा है। बहू बहुत समझदार थी, इसलिए उसने अपनी सफाई में ससुर से मुंह लगाना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप रथ में बैठी रही। चलते चलते रास्ते में एक नदी परी ससुर ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि देखो, तुम रथ से उतरो, अपने जूते उतारो और नदी पार करो। बहू ने अपने ससुर की बात को अनसुना कर दिया और जूते पहने हुए ही नदी पार कर गई। ससुर को बहू का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। सोचने लगे कि बहू न केवल चरित्रहीन है बल्कि बुरे लक्षणों वाली भी है। अपनी पुत्रवधू को रथ में बैठाकर वे आगे बढ़े। रास्ते में उसे मूंग से भरा एक खेत दिखाई दिया। ससुर ने खेत को देखकर तारीफ की और कहा, ओहो, किसी के खेत में क्या सुंदर मूंग उग रही है। इससे लगता है कि किसान को काफी फायदा मिलेगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, बात तो आपकी ठीक है, फायदा तो होगा अगर जंगली जानवरों से ना खाया जाए तो। ससुर को बहू की यह बात बहुत अजीब लगी और सोचने लगे कि यह कैसी बेतुकी बात कर रही है। वह कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे और एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। लोगों को आनंद लेते देख ससुर ने कहा, ओह, यह गांव कितना सुंदर है। ससुर की बात पर तर्क करती हुई बहू बोली, सुंदर तो है अगर उजड़ा नहीं तो। बहू की बातें सुनकर ससुर मन ही मन दुखी हो गया। आगे बढ़ने पर उनकी मुलाकात एक हृष्ट पुष्ट युवक से हुई। बूढ़े ने उस युवक की प्रशंसा करते हुए कहा, पहलवान जैसा दिखता है। बहू फिर तर्क करती हुई बोली, पहलवान तो है अगर कहीं पीट कर ना आए तो। ससुर को फिर बहू की तर्क अच्छी नहीं लगी और सोचने लगे कि यह हर समय बेकार की बातें करती है। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बड़ा बरगद का पेड़ मिला। बूढ़े ने रथ रोका और बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उसकी बहू बरगद के पेड़ से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। ससुर सोचने लगे कि यह कितनी पागल है, पेड़ के नीचे न बैठकर पेड़ से दूर बैठी है। दर्शकों, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वे फिर आगे को चल दिए। चलते चलते बहू की ननिहाल में पहुंच गए।
बहू का मामा मिला, उन्हें घर के अंदर ले गया और भोजन आदि कराने के बाद बूढ़ा अपने रथ में आकर लेट गया। ससुर को बाहर रथ में पड़ा देखकर बहू भी घर के अंदर नहीं गई, वह भी रथ की छाया में बैठ गई। वहां एक बबूल का पेड़ खड़ा था जिसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ काव काव कर रहा था। वह समझ गई थी कि कौवा क्या कह रहा है, फिर भी वो कौवा से कहती हुई बोली, अरे कौवा तू क्यों व्यर्थ कौ कौ कर रहा है। एक बार सियारों की बोली सुनकर घर से बाहर काम करने चली गई तो मेरा ससुर मुझे घर से निकाल लाए। अब अगर मैं तेरी बोली सुनकर कुछ काम करूं तो पता नहीं कौन सी आफत मेरे ऊपर टूट पड़े। कल रात मैं सियारों की आवाज सुनकर नदी किनारे गई तो वहां एक मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, जिसके ऊपर से मैं बहुमूल्य आभूषण उतार कर ले आई जो मैंने घर में रख दिए। बदले में आज मुझे घर से निकाल दिया गया। अब तू कह रहा है कि बबूल की जड़ के पास सोना गड़ा है, अब इसे मैं निकालूंगी तो पता नहीं मेरा ससुर कौन सा आरोप मेरे ऊपर मढ़ देंगे। ससुर रथ में लेटा हुआ ध्यान से बहू की बातें सुन रहा था। सोने का नाम सुनते ही वह तुरंत उठा और बबूल की जड़ के नीचे से सोना खोदकर भाग गया। सोना देखकर बूढ़ा ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह अपने पुत्रवधु की बहुत प्रशंसा करने लगा और तुरंत अपनी पुत्रवधु को रथ में बैठाकर घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने अपनी बहू से माफी मांगी और कहा, बहू एक बात बताओ, जब मैं बरगद के नीचे आराम करने के लिए रुका था तो तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी। बहू ने उत्तर दिया, पिताजी मैं बरगद की छाया में इसीलिए नहीं बैठी क्योंकि वृक्ष की जड़ में सर्प आदि का भय रहता है और ऊपर से पक्षी भीत कर सकते हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर ही बैठना समझदारी है। जवाब सुनकर ससुर बहुत खुश हुए, सोचने लगा, मैं तो इसे मूर्ख समझ रहा था, ये तो बहुत बुद्धिमान है। फिर उसने उस पहलवान के बारे में पूछा कि जब मैंने कहा था कि ये नौजवान पहलवान मालूम पड़ता है तो तुमने कहा था कि पहलवान तो ठीक है, अगर पीट कर ना आए तो इसका क्या मतलब है। बहू ने कहा, पिताजी जो शक्ल से ही पहलवान लगता है वह तब तक पहलवान नहीं होता जब तक उसमें साहस और फुर्ती न हो। असली शूरवीर तो वही है जो पहले वार करता है और उसका वार बेकार नहीं जाता। अगर जीत कर आता है तो पहलवान है और अगर हार कर आता है तो काहे का शूरवीर। दूसरे सवाल का बहू के जवाब को सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। फिर उसने उस खूबसूरत शहर के बारे में पूछा, बेटी जब मैंने शहर में खुश लोगों को देखा तो कहा कि यह शहर बहुत सुंदर है, तब तुमने कहा था कि नगर तो सुंदर है अगर उजड़ा नहीं तो इसका क्या मतलब था। बहू बोली, पिताजी इसका सीधा सा मतलब है, जब हम गांव में दाखिल हुए तो सभी लोग अपनी ही खुशी में डूबे हुए थे, किसी ने हमें बैठने आराम करने सुस्ताने के लिए भी नहीं कहा। ऐसा कहा जाता है कि जिस नगर के लोग किसी अजनबी या बाहर से आए मेहमान का स्वागत नहीं करते उसे नगर नहीं कहा जा सकता। इससे पता चलता है कि वहां के लोग असंस्कारी थे और असंस्कार जहां होते हैं उसे उजड़ने में कितना वक्त लगता है। अपनी बहू का यह उत्तर सुनकर बूढ़ा ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। अब जब बूढ़े ने मूंग के खेत के बारे में पूछा तो बहू ने बताया कि उस खेत में ना तो कोई बाड़ लगी थी ना रखवाला था, क्योंकि कहते हैं स्त्री बालक रोग नौकर पशु धन विद्या अभ्यास सज्जनों की सेवा और खेती इनकी अनदेखी करने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता, इसलिए इन पर सदैव दृष्टि बनाए रखें। नदी को मैंने जूते पहनकर इसलिए पार किया क्योंकि नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय है और उसमें कांटे नुकीले कंकड़ भी हो सकते हैं जो नंगे पांव पैर में चुभ सकते हैं।
मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, बहू की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, जिसे मैं मूर्ख समझ रहा था वो तो बहुत ही बुद्धिमान निकली, मुझसे ही उसे समझने में भूल हो गई। मैंने बिना बात को जाने उसके चरित्र पर आरोप लगाया, मैं कितना मूर्ख था, मेरी पुत्र वधु में एक आदर्श गृहिणी के सारे गुण मौजूद हैं। जिन घरों में ऐसी महिलाएं होती हैं, उनका कभी अहित हो ही नहीं सकता। ऐसी महिलाएं ही समाज में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाती हैं। उसी दिन से बूढ़े ससुर ने अपनी बहू को अपने घर की मालकिन बना दिया। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपकी कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।